क्या आपको भी दिक्कत होता है ब्लेंडर ऐप कहाँ से डाउनलोड करें? क्या आपको भी दिक्कत होता है ब्लेंडर ऐप पे क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ ही नहीं आता? तो मैं आज आपको इस वीडियो पे बताऊंगा कि आपको ब्लेंडर ऐप पे क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेंडर ऐप पे आपको ब्लेंडर ऐप डाउनलोड कहाँ से करना है। हम जाएंगे गूगल क्रोम में, टाइप करेंगे ब्लेंडर ऐप डाउनलोड फॉर पीसी। सबसे पहला लिंक blender.org पे आपको क्लिक करना है। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको इधर क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मेरा ब्लेंडर डाउनलोड है। ब्लेंडर जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आपको इधर आना है। इधर फर्स्ट में ही आपका ब्लेंडर होगा। टुडे यस्टरडे January 22, 2024 आपका टुडे पे ही होगा क्योंकि आज ही तो डाउनलोड किया ना। डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा जाना है ब्लेंडर ऐप के अंदर, घुस जाना है। मैं घुसूंगा नहीं, मैं सीधा अंदर ही चला जाऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम 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 टाइम। ये क्या, जर्नल में चले जाना। आपको तो पहले यही दिखाएगा माया वाया। ये देखो, ये दिख रहा है, ये कैमरा है, दिख गया, ये लाइट है, दिख गया। सब डिलीट कर दो, मैंने तो कर दिया। अब सीधा करो शिफ्ट ए प्रेस। अभी हमने जो क्यूब डिलीट किया ना उसे वापस लाना है। अभी हमने क्यूब लाया बिल्कुल फ्रेश, वो वाला पता नहीं कब का रखा होगा। अब इसे हम थोड़ा ऊपर करेंगे। अभी हम इसे आपको मूव करा के दिखाएंगे, मूव में करा के। तो कर दिए, इसे थोड़ा पतला कर देते, नहीं तो बोलोगे जिम में क्यों नहीं भेजते। भाई गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है, जिम ये ज्यादा नहीं। डी करने के बाद इधर 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 छोड़ दो, फिर एस, फिर जी, जी फॉर जेबड़ा। इतना पतला सही है, आपको जितना मोटा करना है मत करो, मेरे को कोई मतलब नहीं। इसे थोड़ा पतला करेंगे, पतलू 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 पतलू। ओपी, अगले नेक्स्ट साइड आप सोचोगे क्या करे। अभी थोड़ा और पतला कर देते, इतना पतला समझ ही नहीं है। अब हम जाएंगे सीधा मूव में। ये देखो मूव इसे कहते हैं, थोड़ा साइड थोड़ा ऊपर। ओपी गुड, ओपी गुड। अयो अब हमें जाना है सीधा रोटेड। इसे करेंगे, इसे फालतू चीज करने की जरूरत नहीं, रहने दो, छोड़ो उसे। हम बस मूव में ही क्लिक करके रखेंगे। और अब हम सीधा क्लिक करेंगे शिफ्ट डी। तो अब देखो बूम मैजिक करने के बाद इसे सिलेक्ट करो, आर वाई प्रेस करो और कर लो सीधा। कर दिए, मैंने भी कर दिया। अब हम इसे रोटेट करेंगे। अंदर 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 घुस गया, घुस गया। अब सीधा कर दो, ओपी बोलो। अब हमें फिर से इसे क्लिक करेंगे, शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, ये फिर से कॉपी हो जाएगा। इसे नेक्स्ट साइड भी रख देंगे, तो इधर भी हो गया। इसे थोड़ा ऊपर, ओपी मेरे से इधर पोपट हो गया था, तो तुम पोपट मत करना, तुम जैसा करे शिफ्ट डी प्रेस कर देना। मैंने तो कर दिया। अब सीधा डन। हाँ भाई इसे सीधा सीधा ले जाना, सीधा सीधा। ओपी इतना पोपट। हाँ चलो हो गया सब, इधर का साइड मेरे को छोटा लग रहा है। तो हो गया। अब हम इसे ऑल सिलेक्ट करेंगे, जी प्रेस करके इसे ऊपर करेंगे। आपको अभी मैं एक मैजिक दिखाता हूँ। ये हैंड है, निकाल दिया, निकल गया, निकल गया। ऑल सिलेक्ट करेंगे, अब ऑल सेलेक्ट करने के लिए ए प्रेस कर दोगे और ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। बार बार ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं। करने के बाद आपको सीधा क्लिक क्या करना है हुआ? शिफ्ट जे। तो देखो क्या हुआ था, मैंने सब चीज कर लिया था, मेरा ये जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो गया था अपने आप। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, इन सबको सिलेक्ट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। कमांड
ए प्रेस करके ऑल टून्स पे क्लिक करना, ये रहा ऑल टून्स। करने के बाद आपको सीधा कमांड जे प्रेस कर देना, जिससे आपका ये फाइल पे एक ही जगह क्रिएट हो जाएगा। एक भी कुछ भी क्लिक करो आप, हैंड लेग कुछ भी करो, कुछ ना होगा क्योंकि ये ऑलरेडी हो गया है। अब हमें इस ऑल सिलेक्ट करके सीधा ए प्रेस करके, मतलब टैब प्रेस करके जाना है एडिट मोड पे। एडिट मोड पे जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है ऑल बॉडी। ऑल बॉडी सिलेक्ट करने का कमांड और प्रेस करने के बाद इधर हैंड पे कट लगा देना है। 1 2 3 4, चार बहुत है ना। तो हम ऐसे करके एक जगह कट लगा दिए, ऐसे ही हम चारों जगह कट इधर लगा जाना देना है। एडिट मोड, एडिट को क्लिक करो, नीचे जाओ, प्रेफेस जाओ नीचे, और जाओ एडवांस, एडवांस इधर लिखना है आपको। ओ माय गॉड, ओ एन, ये देखो बोन आ गया, एनिमेट बोन। ये जो आवाज चल रहा है ना, उसे इग्नोर करो, इस पे सिलेक्ट करो, क्योंकि मैंने आपके लिए डिलीट कर दिया था ब्लेंडर ऐप। रुको थोड़ा टाइम तो भी लेते, मेरा किसी से फोन आया था, तो कोई बात नहीं, मैंने जो आपको बताया वो आप करके दिखाना है। हमें सीधा जाना है एडिट मोड पे। एडिट मोड पे जाने के बाद प्रेफरेंस, इधर जाने के बाद आपको सर्च करना है बोन। मैंने बोन पे ई नहीं लगाया क्योंकि नीचे ऑलरेडी आ गए, इधर सिलेक्ट कर देना। करने के बाद है सीधा शिफ्ट ए क्लिक करना, और ये देखो मैजिक। कुछ भी मैजिक नहीं हुआ, पता नहीं पोपट हो गया शायद, छोड़ो। तो इधर देखो दो दो बोन्स आए होंगे, पहले हम इसे छोटा करेंगे, छोटू छोटू छोटू। अरे यार मैजिक वैजिक कुछ ना हुआ, मैजिक वैजिक हुआ तो नहीं। तो हम जाएंगे सीधा बोन्स के एडिट मोड पे, टैब बोन्स के एडिट मोड पे हम आ गए हैं। तो एक बोन्स हम लगाएंगे इधर, अब से ई प्रेस करेंगे, ई प्रेस करके इसे थोड़ा ऊपर कर देंगे, फिर से ई प्रेस करेंगे, सेलेक्ट ई, फिर से ई, ये गलत साइड लग गया। थोड़ा और नीचे, गुड। अब हम इसका मुंडी टिपेंगे ओपी, इसे थोड़ा ऐसे रखेंगे क्योंकि बोन रोटेट करना है हमें। और इसके शोल्डर तक हम इसे ले जाएंगे, फिर हम फिर से ई प्रेस करके इसके पूरे हैंड तक ले जाएंगे। ऐसे ही हम पीछे की तरफ करेंगे, एक शोल्डर मतलब एक छोटा बनाएंगे पहले, छोटू 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 नीमूरा, फिर से ई प्रेस करेंगे ओपी। अब बनाएंगे हम इसका सोल्ड, फिर से ई, अब बनाएंगे इसका पूरा हैंड। ऐसे ही हम बनाएंगे इधर की साइड, अब इधर ई प्रेस करेंगे, फिर से इधर साइड की तरफ, फिर से बीच पे, फिर से ई प्रेस, फिर से ई प्रेस। पूरा बोन सेलेक्ट करने के बाद प्रेस करके हमारा एडिट मोड से बोन हो गया है रेडी। रेडी होने के बाद फिर से टैब पे ही चले जाना, ये देखो ऊपर की साइड ये बोन्स बाहर निकल चुके हैं। तो अब हम इसे अंदर करेंगे, तो हम दो बोन्स को एक साथ सेलेक्ट करके अंदर कर दिए। थोड़ा इसे पीछे कर देते हैं, पीछे करने के लिए हमें रेड बटन ही क्लिक करना पड़ेगा, बटन नहीं रेड बोन, ये सब गलत एंगल्स पे है।
तो इसको जब तक हम सही कर रहे हैं तब तक मैं आपको बता दूँ अभी मेरे साथ क्या हुआ। तो ये एक्चुअली रियल लाइफ का हुआ नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ आपको इंजॉयमेंट के लिए। तो सुनो, मैं जैसे ही एडिट करने के लिए इस घर में आ रहा था, फिर मेरे को किसी ने चिल्ला चिल्ला के बताया, बुलाया, बचाओ बचाओ। मैं तो सीधा गुस्से पे कूदा, इधर से सीधा पहुंचा बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा से सीधा छलांग मारा, पहुंच गया अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में इतना ठंड था, आप अगर उधर होते ना रोने लगते, बोलते ओ माय गॉड ये क्या हो रही है, उतने कड़क ठंड में मेरे को ठंडी महसूस हुआ। तो आप भी सोचोगे ठंडी जगह में ठंडी तो महसूस होएगा, पर मेरे को ठंड के साथ गर्मी महसूस ही नहीं हो रहा था। फिर मैं सीधा ज्वालामुखी के अंदर बैठ गया। अंदर बैठने के बाद फिर मेरे को याद आया, अगर अरे मेरे को तो किसी ने हेल्प के लिए बुलाया था, सीधा छलांग मार गया उसको। 4,000 लौंडे घेर के मारने वाले थे, 4,000। फिर मेरे को आया गुस्सा, मैंने उनको पटक के पेल दिया सबको। फिर उनमें से एक मेरे बराबर का ही था, एकदम पावरफुल, मैंने सीधा उसे गुस्से पे गुत्ती मारा, उसने मेरे को लेटा दिया। आगे का सीन मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने इसे बना लिया। बनाने के बाद हम जाएंगे फिर से इसके रियल फॉर्म्स पे, और फिर हम थोड़ी सी भी फोन्स पे वीडियो अगर ऑलरेडी क्लिक कर रखे ये जो आप। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करके लिख देना आई लव वीडियो, और आपका रिप्लाई ज़रूर आएगा और अगली वीडियो पे आपका नाम भी लिया जाएगा और आपको शुक्रिया भी बोला जाएगा। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करके कुछ कमेंट कर देना प्यारा सा, और पार्ट टू के लिए इंतज़ार करना, और मैं आपको बताऊंगा पार्ट टू में आप एंड प्रेस करोगे और क्या क्या इधर आएगा। अभी तो देखो एनिमेट, अभी ज्यादा कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। एन प्रेस करते ही आपका इधर एक चीज रहेगा जिससे आप बस इधर क्लिक करेंगे और कुछ भी सर्च करेंगे, एनिमी अपने आप आ जाएगा। और इसे मूव करने के लिए मैं आपको एक दूसरा ऐप बताऊंगा, तो मेरे वीडियो पे बने रहे और सब्सक्राइब करना मत भूले। कल अगर आपको वीडियो चाहिए तो बस ये लिख देना, टुमोरो या कल भी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कल पार्ट टू चाहिए। तो कल मैं तुरंत, अगर बस आपको बस एक बंदे ने कमेंट कर दिया और बोला कि पार्ट टू, तो मैं जरूर ले आऊंगा पार्ट टू, तो आपको मेरा वीडियो